पर्यावरण की एक बेहतर सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे पर्यावरण के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार झांसे सवालों के प्रश्न आते हैं। तो बिना देरी किए आज हम लोग इस क्लास के अंत तक बने रहते हैं, क्योंकि अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो इस तरह के सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। आज की जो सीरीज है टॉप 30 की सीरीज है, मतलब तेजी से हम लोग महत्वपूर्ण 30 सवाल को पढ़ेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, विलुप्त जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो जीव विलुप्त हो उन्हें क्या कहते हैं। हेप्टोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जियोलॉजी, पलियोन्टोलॉजी। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, हो सके वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। देखिए पलियोन्टोलॉजी जो होता है इसका उत्तर क्या होगा, पलियोन्टोलॉजी यह जीवाश्म विज्ञान है। इसे क्या कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। इसे कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। मतलब विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के सतह के नीचे दफन जीवों के जीवाश्म, अर्थात जो विलुप्त दफन जीव की जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु का भी निर्धारण किया जाता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या था, डी सही था। अगला सवाल आपके डिस्प्ले पर है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में क्या पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कोबाल्ट, निकेल, जिंक क्या होगा। देखिए जो चॉकलेट होता है बहुत सारे लोग इसमें बता रहे हैं, कुछ लोग जिंक बता रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग के जिंक उत्तर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सीसा, लेड होता है जो उत्तक में पहुंचकर उत्तकों को क्षय कर देता है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। ठीक, किसी के मन में कोई सवाल, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो जल्दी से पूछ सकता है। अगला सवाल, कूड़ा निस्तारण की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। कूड़ा निस्तारण की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कूड़ा निस्तारण की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है, वर्मी कल्चर, इंसेरेशन, भूभराव, दहनता। बताइए, दहनता तो है नहीं क्योंकि इससे वायु प्रदूषण होने लगेगी, इंसेलेशन भी नहीं होगा, वर्मी कल्चर और भूभराव में क्या होगा। जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे फेसबुक पर चाहे यूट्यूब पर, जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। जल्दी से कमेंट करिए सभी साथी, चाहे जो फेसबुक पर देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जल्दी बताइए कमेंट करके। देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा भूभराव। मतलब कूड़ा निस्तारण की सबसे अच्छी विधि है भूमि का भरण करना। इसमें ठोस हानिकारक अपशिष्टों को भूमि के गहरे नीचे दबा दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कई नाम से जानते हैं, जैसे इसे कहते हैं टिम डंप, टिम डंप कहते हैं, कहीं गार्बेज डंप कहते हैं। ये परीक्षा वाले प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है। फिर कहीं कहीं आपको रविश डंप कहलाते हैं ये। तो इसलिए ओवरऑल इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा, सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्न में कौन सी सबसे लंबी पतली प्रकार की घास है। बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने वीडियो को देख रहे हैं सबसे लंबी पतली किस्म की घास कौन सी है, यार जल्दी जल्दी कमेंट करिए यार सभी साथी, जो लोग इसे देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित राष्ट्रीय में महत्वपूर्ण है। तो देखिए अल्फो अल्फा फोर्स लाइकेन बांस, क्योंकि बांस भी एक प्रकार की घास होती है। सबसे लंबी यह पोइसी कुल का होता है, कौन सा, पोइसी कुल का सदस्य है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपका क्या है, सी इसका राइट आंसर होगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग भी पैसे नहीं कटते। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशी प्रवाह दर्शाता है, एक दिशा प्रवाह दर्शाता है, जल्दी बताइए। प्रकाश, ऊर्जा, जल, जैव मात्रा, बायोमास, फटाफट कमेंट करके बताइएगा जितने साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए
यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। जी हाँ, कुछ लोग प्रकाश बता रहे हैं, जी नहीं, ऊर्जा। ऊर्जा जो होता है इसका हस्तांतरण एक दिशी होता है और 10% ऊर्जा हस्तांतरित होती है और 90% ऊर्जा ह्रास होती है। ये लिंडमान का नियम है, लिंडमैन या लिंडमान का नियम इसे कहते हैं, इसे लिंडमान का नियम कहते हैं। 10% ऊर्जा जाती है और 90% ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, आप लोगों ने शायद इसको पढ़ा होगा, आप सभी लोग जानते होंगे 1942 में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी सही और राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। कीटों द्वारा कौन सा परागकण परागित किए जाते हैं? कीटों के द्वारा कौन से परागकण परागित किए जाते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, चाहे जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, कहीं भी देख रहे हैं, भैया जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोग को तो जवाब ही नहीं देते हैं। अब भैया इतना धीरे कैसे होगा बताइए। आइए ध्यान से देखते हैं, कीटों द्वारा परागकण परागित किए जाते हैं, यह होगा चिकना शुष्क, खुरदरा और चिपचिपा, खुरदरा शुष्क, लंबे। देखो बहुत अच्छा, जो लोग जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ये है खुरदरा और चिपचिपा। मान इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका क्या है, बी इसका राइट आंसर होगा, बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कीटों द्वारा परागित फूलों के जो परागकण होते हैं खुरदरे तथा चिपे होते हैं, जिससे आसानी से कीटों के माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निकेल धातु में कौन सा रोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निकेल धातु से कौन सा रोग होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पे इटाई किससे होता है बताइएगा। ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटी किससे होती है ये बताइएगा, दमा कैसे होता है ये भी बताइएगा। देखिए आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, प्रयास कर रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, प्राय आप लोगों ने गलत प्रश्न का जवाब दिया, ज्यादातर लोगों ने गलत दिया है। ठीक, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस है, निकेल धातु से एलर्जी होता है। कौन सा होता है? एलर्जी होता है। उस एलर्जी को हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। जब त्वचा हानिकारक निकेलधारी किसी वस्तु के संपर्क में आती है तो त्वचा में धीरे धीरे खुजली होने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं, फुंसी, फोफड़ा, फाले पड़ जाते हैं, फुंसी हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। तो डर्मेटाइटिस होगा। इटाई किससे होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ साथियों, इटाई यहाँ पर इटाई लिखा है, ये इटाई होता है। ठीक, चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा जीव सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा मीथेन उत्सर्जित करता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, फटाफट साथियों जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सिलेक्शन लेना है तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, फटाफट कमेंट करिए। देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है। जी आप लोगों ने एकदम सही बताया है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए सभी लोग बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए यहाँ इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जैसे मीथेन गैस की बात करें, मीथेन का इसे यही होता है, CH4 इसे कहते हैं। ठीक है, और ये जीवाणु, देखिए जीवाणु सामान्यतः नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैस के रूप में निष्कासित करते हैं, जो अवायवी अपघटन के फलस्वरूप निकलती है, अवायवी अपघटन के फलस्वरूप निकलती है। इसलिए इस प्रश्न का सही और राइट उत्तर जो होगा वह सी का सही जवाब होगा। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अब की बार एक सीट हमार। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वृक्ष की छाल से क्यूकोनॉल निष्कर्षण किया जाता है? यूकेलिप्टस, सिंकोना, नीम, सीडर, देवदार, इन सभी वृक्षों की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन हम इसको जब सीरीज को और अच्छे से पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। अभी MCQ है तो आज सोच रहे हैं क्लास को तेजी से पढ़ाया जाए। जी हाँ मेरे साथियों, या जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं लाइक का बटन दबा दें और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब सिंकोना होगा, ये उष्णकटिबंधीय है, जो कि इसके वृक्ष के छाल से कुनैन
जी हाँ, यहाँ पे क्वेनान लिया है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वेनान इसे कहते हैं खुनायन, ठीक है। और इससे मलेरिया की दवा बनती है। क्या बनती है? मलेरिया की दवा बनती है। सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से, यह रुबेसी परिवार से है, और कुनैन का उपयोग मलेरिया के दवा में किया जाता है। जो सिनकोना वृक्ष की छाल होती है, ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। ये बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यूकेलिप्टस के बारे में आप बताइएगा, यह पर्यावरण का शत्रु क्यों कहा जाता है? अगला सवाल आपके सामने है, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी, जी हाँ जल्दी कमेंट करिएगा, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रह सकता है? वनोन्मूलन, संबंधित पौधों की नई किस्म, पालतू पशु को नई नस्लें, कीटनाशी और पीकनाशी का प्रयोग, जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझाकर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, चित्र वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रह सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है, जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो डी, इस प्रश्न का राइट आंसर है। जी हाँ साथियों, हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। ये बात याद रखिएगा, मनुष्य को जो जीवमंडल के पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। जैसे अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम एक छोटा सा पिरामिड देखें, यहाँ पे उत्पादन है, शाकाहारी है, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये पिरामिड बराबर है, लेकिन अगर इसमें कम या ज्यादा हो जाएगा तो पूरी पारिस्थितिकी क्या होगी, संतुलन बिगड़ जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किसकी कमी कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर सरकारी शिक्षक बनना है तो यह प्रश्न आपको, ऐसे प्रश्नों की सीरीज को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहें, घर बैठे आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या है, मैग्नीशियम और विटामिन डी, तो आपको पता है इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा मिलता है, लोहा विटामिन ये भी मिलता है, लोहा विटामिन सी ये भी मिलता है, लेकिन इसमें क्या है जो नहीं मिलता, जल्दी जल्दी बताइएगा, जिसे इसमें लोहा नहीं मिलता और विटामिन सी नहीं मिलता। जी हाँ, ये मिलता है, कैल्शियम भी मिलता है, लेकिन लोहा और विटामिन सी नहीं मिलता। दूध एक संतुलित आहार नहीं है क्योंकि इसमें लोहा और विटामिन सी कमी होती है, जबकि संतुलित आहार में सभी चीज़ एक सही अनुपात में होते हैं। ये कैल्शियम यहाँ पे मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विटामिन सी नहीं मिलता, लोहा नहीं मिलता, विटामिन ए मिलता है। तो ओवरऑल मिला जुला कर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी भी गलत है और सी भी गलत है, ठीक है, बी और सी दोनों गलत है, लेकिन दोनों टाइटल इसमें लोहा विटामिन सी दोनों यहाँ पर गलत है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बी का चयन करेंगे। ऐसे इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों है, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, रट लीजिए आप लोग। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, जी हाँ मेरे साथियों, फटाफट कमेंट करिएगा आप सभी। देखिए ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए, इले निबित दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जुड़ सकते हैं, घर बैठे संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, मेरी क्लास निशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में उपलब्ध है। देखिए सुंदरवन की जो कहानी है, ये देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा मैग्रोवन इसे कहा जाता है। मैग्रोवन कहते हैं इसे, सुंदरवन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के वृक्ष बहुताय मिलते हैं, इसलिए हम इसे सुंदरवन भी कहते हैं। जी हाँ, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, अगर कोरोना होता तब आप लोग क्या बताते, इस प्रश्न का सही विकल्प जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। यार सिलेक्शन वाले प्रश्न है, ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए और इसे अपने फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पर अपने व्हाट्सएप समूह, व्हाट्सएप स्टेटस, सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए। देखिए मलेरिया, क्षय रोग, टीबी, मिलजम्स, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, आइए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, इस प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका उत्तर होगा क्षय रोग होगा और मिलजस होगा। संक्रामक बीमारी वो होती है जो दूषित हवा, पानी, पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से होती है, तो टीबी और मिलजस संक्रामक बीमारी है, कोरोना भी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सेकेंड और थर्ड दोनों होगा, अर्थात इसका सही विकल्प हम अगर जाएं तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर होता है, सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
केंद्र सरकार सरकार को समाज कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान किया है। ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान भी इसके अंतर्गत आता है और आपके संविधान आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अगर आप TET की परीक्षा में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे UPTET हो, CTET हो, KVS, DSSB, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, इन सभी में ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग ने सही दिया है, अनुच्छेद 16 इस प्रश्न का राइट आंसर है। वैसे आप सभी को सभी अनुच्छेदों के बारे में मैंने पढ़ाया है, 14 भी, 46 भी, 29 भी, यह सभी आपके लिए है, लेकिन AB D जो है ये फंडामेंटल राइट है और अनुच्छेद 46 नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो भारतीय संविधान 16 जो है वो पिछड़े समाज के कमजोर में पिछड़े लोगों के लिए नौकरी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। ठीक है जी, PET एग्जाम में भी आपके लिए महत्वपूर्ण योगदान देगा ये, टेट पेट दोनों। देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की क्षमता प्रदान करता है, मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करता। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जवाब दीजिएगा फटाफट सीरीज में, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी साथी, चाहे से जहां भी देख रहे हैं। आइए हम आपके साथ मिलकर हम और इसे और आगे और बेहतर करते हैं। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर फिर से अनुच्छेद 16 होगा, अनुच्छेद 22 इंपॉर्टेंट है, 20 इंपॉर्टेंट, 25, यहाँ पर सभी फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर फिर से अनुच्छेद 16 होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया था, शायद एक आध लोगों ने बी प्रश्न दिया है, एक दो लोगों ने, तीन लोगों ने, बाकी लोग अलग अलग उत्तर बता रहे थे, सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला, निम्न में से कौन सा रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। भारतीय संविधान से भी देखिए 4 से 5 प्रश्न आते हैं, तो हम ये चाहेंगे उन प्रश्नों की सीरीज को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, ताकि सिलेक्शन में कहीं भी कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए। देखिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जी हाँ यहां पर होगा प्रतिषेध, क्या होगा प्रतिषेध। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है, रिट को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हाँ, सी सी इस प्रश्न का प्रतिषेध रिट कहते हैं उसे। ठीक, चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जितने लोग इस प्रश्न को देख रहे हैं पर्यावरण के अंतर्गत, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। चित्त इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, भूगोल, स्वास्थ्य, पोषण, जीव विज्ञान। देखिए जब भी पर्यावरण के सवाल में ये सभी आए, तो पर्यावरण, भूगोल का, स्वास्थ्य, पोषण, जीव विज्ञान, ये सभी इस प्रश्न का राइट आंसर है, माने डी इस प्रश्न का सही जवाब है। जहां पर भी डी मिल जाए ये सभी, तो 80% आपके सवाल के जो उत्तर होते हैं वो सही होते हैं। अगला, निम्नलिखित पर्यावरण के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा कौन सा सत्य नहीं है, फटाफट बताइए। जी हाँ, घर बैठे लर्निंग विद दुर्गेश की संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, चाहे से फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, चाहे यूट्यूब पर कहीं भी आप देख रहे हैं। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं कौन सा सत्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो पर्यावरण अनिवार्य रूप से पढ़ना है, PET की एग्जाम देना है, मतलब भारत में किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां पर इसके लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से होनी चाहिए, सही है, ये हो जाती है कक्षा 3 से हो जाती है। पर्यावरण अध्ययन संबंध मानव स्वास्थ्य भी, जी हाँ, जस्ट ऊपर हमने इसके बारे में पढ़ा है। पर्यावरण अध्ययन के अंदर जल मंडल का अध्ययन किया जाता है, जी नहीं, सभी का अध्ययन किया जाता है, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए होगा। जो गलत है वही सही है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। हम बार बार कहते हैं प्रश्न को अगर बारीकी से पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपसे प्रायः परीक्षा में गलती हो जाएगी। अगला है, निम्न में से कौन सा जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, मिथेन उत्सर्जित करता है। अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया, वह है आपका जीवाणु, या रिपीटेड प्रश्न है, हमने और आपने ध्यान से पढ़ लिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस वृक्ष की छाल कुनैन से निष्कर्षण किया जाता है, तो यहाँ पर सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। जी हाँ, सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से मलेरिया की दवा बनाई जाती है।
देखिए बार बार प्रश्न को यहाँ पे रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी संक्रामक है? तो यहाँ पे क्षय रोग, टीबी और मेलजस्मा ने दूसरा और तीसरा इसका सही जवाब है। कुछ प्रश्न यहाँ रिपीट हो गया कहीं, हाँ अब नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कभी कभी समाचार पत्र में आने वाला एक शब्द है जिसका नाम है गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट, किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी साथी। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर है जो गाडगिल समिति रिपोर्ट है किससे संबंधित है। देखिए हरित भारत राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन पर आधारित कार्य योजना के लिए 8 मिशन संचालित, जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वैकल्पिक स्रोत वन्य जीव सुरक्षा उद्देश्य हरित भारत अभियान 6 लाख हेक्टेयर वनीकरण का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत 30% वनों को और पेड़ों का आच्छादित करना है। इसके अतिरिक्त वन संप्रदाय को भी, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा नदियों को जोड़ने से, ठीक है। किससे है? नदी जोड़ो। किससे है? नदी जोड़ो, संवैधानिक सुधार से नहीं है, ठीक। गंगा नदी उधर दक्षिण भारत में ही नहीं है, मतलब दक्षिण भारत कह रहे हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है नदी जोड़ों से। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट 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 रुकिए। कस्तूरीरंगन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, सॉरी। देखिए कस्तूरीरंगन जो समिति है ये माधव गाडगिल समिति, इनका पूरा नाम है, और ये है पश्चिमी घाट के संरक्षण से। सॉरी इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, डी होगा। क्योंकि देखिए जो पश्चिमी घाट का 3/4 भाग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डी होगा। डी 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 पश्चिमी घाट से वेस्टर्न घाट, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको दक्षिण भारत के मैप से बताएं आपको, तो ये हिस्सा जो है यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए जो माधव जो गाडगिल समिति है ये गठन पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया था, और इसने रिपोर्ट अपनी 2011 में सम्मिलित किया था, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट लगातार देख रहे हैं वन ह्रास हो रहा है, इसलिए इसे हम अगर अध्ययन के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे खनन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और गोवा कर्नाटक राज्य विशेषकर, क्योंकि इसमें राज्यों में खनन गतिविधियाँ बंद होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। गुरु गोविंद सिंह, देखिए गुरु गोविंद सिंह सैफई वाराणसी लखनऊ मेरठ, इस प्रश्न का उत्तर होगा लखनऊ में है। कैसे ये जानते हैं? उत्तर प्रदेश शासन में खेल के विकास के लिए 1 अगस्त 1975 लखनऊ गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थापना किया गया, जहाँ पे 9 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के आयु वर्ग के खिलाड़ी इसमें भाग ले सकते हैं। चयन उन्हें आवश्यक सुविधा प्रदान करना है, खेल वैज्ञानिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, अच्छा खिलाड़ी बनाना, पठन पाठन साथ साथ सर्वांगीण विकास कर स्वास्थ्य पर उनके ध्यान देना, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जल्दी से कमेंट कर बताइए। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। देखिए गौतम बुद्ध नगर जनपद जोन जनपद में, ठीक है, और गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव में प्रस्तावित है। भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश का क्रम चौथा है, चौथे पर है। जी हाँ चौथा इस प्रश्न का सही जवाब है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आप लोग के, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सी परियोजना पेयजल परियोजना है, फटाफट कमेंट करके बताइए। इलेनी बी दुर्गेश का ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। गणित की भी क्लासेज आपको चल रही है, वहां से गणित की क्लासेज भी आपको डेली मिल जाएगी। जल्दी जी बताइए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट कमेंट करिएगा जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए आप लोगों ने एकदम सही जवाब तो अभी तक नहीं दिया, शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथरई बांध परियोजना,
चलिए कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं। तो गोकुल बैराज, देखिए गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। कौन सी परियोजना है? पेयजल परियोजना, यहाँ पे पूछा था, पेयजल परियोजना जिसका उद्देश्य आगरा मथुरा के पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। यह परियोजना गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज बनाकर पूरी की जा रही है, जबकि पथराई बांध परियोजना झांसी जिले में, जो पथराई है ये कहाँ पर है? ये झांसी जिले में मौरानीपुर तहसील के बंगरा ब्लॉक में पथराई नदी पर निर्मित है। अगर हम शारदा सहायक नहर परियोजना की बात करें तो यह परियोजना घाघरा नदी पर है और यह 28 किलोमीटर एवं शारदा नदी पर 260 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कराकर सिंचाई परियोजना तैयार करा रही है। इस प्रश्न का सही विकल्प जो है सी है। ठीक, 2011 जनगणना के अनुसार परियोजना की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार परियोजना की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना है? अच्छा, परियोजना, देखिए यहाँ पर प्रश्न अधूरा। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की, यहाँ परियोजना काट लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास आपके लिए यहाँ पे समाप्त होती है। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस वीडियो के अंदर तक बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगली क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। सभी लोग टेलीग्राम ऐप पर जो नहीं जुड़े हैं दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ जाएंगे, सभी क्लास आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भारत की जनसंख्या का लगभग 16.5% है, लेकिन विकल्प में लगभग अगर देखा जाए तो 16.16%। सी प्रश्न का सही और राइट उत्तर है, तो हम यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी मान लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को अपने साथी मित्र को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि यह आपका भी दायित्व है। जितना मेरा है उतना आपका भी दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।